दिल्ली के प्रदूषण पर सख्त सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली और पंजाब सरकार को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट बोला, लोगों को मरने नहीं दिया जा सकता। दिल्ली सरकार के ऑड इवन के फैसले पर उठाए सवाल। पंजाब सरकार को पराली जलाने को लेकर जमकर घेरा। दिल्ली एनसीआर के जानलेवा प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली और पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि हम 6 साल से इस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समस्या का हल होते नहीं दिख रहा। दिल्ली में हुई बारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शायद भगवान ने लोगों की प्रार्थना सुन ली, इसके लिए सरकार को धन्यवाद नहीं बोला जा सकता। अदालत ने कहा, मौसम के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने टैक्सियों पर ऑड इवन लगाने को कब कहा। दिल्ली में 13 तारीख से ऑड इवन को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि ये आपके ऊपर है कि प्रदूषण को कैसे कम करेंगे, हमें एक्सपर्ट की नहीं बल्कि नतीजे चाहिए। वहीं पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा है कि इस बार आपका ध्यान पराली जलाना रोकने पर नहीं है, तभी ये हाल है। खेतों में पराली जलाने के मामले हर हाल में रुकने चाहिए। इससे पहले एक हलफनामा दायर कर दिल्ली सरकार ने ऑड इवन स्कीम के फायदे गिनाए। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एनालिसिस के अनुसार ऑड इवन पीरियड में वाहन किलोमीटर यात्रा में लगभग 6% की कमी आई, जो कि 37.80 लाख वाहन किलोमीटर प्रतिदिन थी। प्रदूषण की मार से बेहाल दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता का स्तर लगातार बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए तमाम बड़े फैसले भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। हालांकि शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में बारिश ने लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रदूषण की स्थिति को राज्य के कैबिनेट सेक्रेटरी मॉनिटर करेंगे। कोर्ट इस पर 21 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा। ऐसे में कोर्ट की फटकार के बाद उम्मीद यही की जा रही है कि राज्य सरकारें प्रदूषण पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगी, जिससे जनता को थोड़ी राहत जरूर मिले। पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।